नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार। वेलकम टू एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियोस में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत से लोगों ने मैसेज किया था, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि लाइसेंस कैसे बनवाएं, ब्लाइंड मैन के लिए लाइसेंस कैसे बनवाएं, इसका प्रोसीजर क्या है, वो आपको हिंदी में जाना था। तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ कि लाइसेंस के लिए प्रोसीजर क्या है। इसके एक इंग्लिश में वीडियो बना चुका हूँ, ये हिंदी में है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लाइसेंस बनाने का प्रोसीजर बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए, A1 फॉर्म कहते हैं उसे। तो वो आप किसी भी कोर्ट में जाइए, कोर्ट में बोले कि आपको लाइसेंस बनवाने के लिए, गन लाइसेंस के लिए फॉर्म चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप हमारे वेबसाइट जो है www.airsoftgunindia.com उस पर जाइए, ब्लॉग में हमने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। वो आपको होगा एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, पैन कार्ड, ITR, फोटोग्राफ, सब कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद तीन फॉर्म्स होते हैं, S1, S2, S3। वो है एक बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग का, जो आपको एक ट्रेनर देता है, जो फायर आर्म्स में एक्सपर्ट होता है, वो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है साइन करके। सेकेंड है वो मेडिकल रिपोर्ट है कि आप फिट हैं, मेंटली साउंड हैं, गुड हैं, अच्छे हैं, आपका दिमाग मेंटली आप इल नहीं है या आप फिजिकली फिट हैं, वो सर्टिफाई करता है। थर्ड होता है आपका कि आप खुद वो सर्टिफाई करके देते हो कि आपके पास गन को रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है, मतलब एक सेफ है घर पे या फिर अलमीरा है, जहाँ आप फायर आर्म्स को सेफ कस्टडी में रख सको बच्चों से दूर। तो ये तीन फॉर्म अटैच करते हो, डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, एक फाइल बनाते हो आपसे, इसे आप ले जा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी बहुत से सिटीज में है, जनरली पुलिस कमिश्नर का ऑफिस होता है, वहाँ पे जमा करते हो। उनकी एक पूरी लाइसेंसिंग की टीम है, वो आपके फाइल्स के थ्रू गो थ्रू करती है, वो चेक करते हैं आपके बारे में कि आपके बारे में कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं उनके पास। देन वो फाइल आपके लोकल पुलिस स्टेशन आता है। लोकल पुलिस स्टेशन उस क्या करती है कि उस पूरा चेकअप करता है आपके बारे में कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, किसी ने कंप्लेन तो नहीं की है, बेसिक बात है। फिर वो आपके घर पे आएंगे, वो आपके आस पड़ोस के मोहल्ले सबके बारे में पूछेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, और आपका बैकग्राउंड चेक होगा। जब वो कन्फर्म हो जाता है, वो फाइल बैक जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। फिर वो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो आपसे पूछेंगे मेन सवाल कि आपको ये लाइसेंस क्यों चाहिए। अब रियल गन जो होता है वो लोग लेते हैं अपने सेफ्टी के लिए या फिर जानवरों को भगाने के लिए, खेत की रखवाली के लिए। वो आपसे पूछेंगे आपको लाइसेंस क्यों चाहिए। फॉर ब्लाइंड मैन आपके पास एक सीधा जवाब हो सकता है, जो लोग फिल्म के लिए से यूज करते हैं कि आपको फिल्म के लिए चाहिए। जो लोग सादे जगह में चलाना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं कि आपको सेफ्टी के लिए चाहिए, आपको रियल गन नहीं चलाना है, इसलिए आप ब्लाइंड मैन ले सकते हैं। या फिर आप कलेक्टिव हैं, जो भी आपका एक वैलिड रीजन होगा जो आप लेना चाहते हैं, उन्हें बताइए। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, दे विल ग्रांट यू अ लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस के ऊपर आप ब्लाइंड मैन ले सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप फिल करते हैं लाइसेंस के लिए, वो पूछेंगे कि किस कॉलम में आपको भरना है। अगर आप रियल गन के लिए भरेंगे तो मे बी वो थोड़ा डिफिकल्ट है इंडिया में, अगर आप ब्लाइंड गन के लिए भरेंगे तो मे बी ये थोड़ा आसान हो जाए। दैट्स इट गाइस, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बहुत खुश होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको लाइसेंस बनवाने में या फिर फॉर्म वगैरह फिलअप करने में कोई इशू आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी फॉर्म को फिलअप करने में, आपको लाइसेंस बनवाने के प्रोसीजर में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@airsoftgunindia.com पे। आप सभी जो पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जो है facebook.com/airsoftgunindia। हम फेसबुक पे थोड़ा एक्टिव रहते हैं, हम न्यूज देते रहते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो है instagram.com/airsoftgunindia। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारे वेबसाइट पे भी जाइए airsoftgunindia.com, कनेक्टेड रहिए, ब्लॉग्स पढ़ते रहिए, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आता रहेगा आपको हम देते रहेंगे। तो ये था वीडियो कि लाइसेंस कैसे अप्लाई करें ब्लाइंड मैन के लिए हिंदी में। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ।